हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की स्टूडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ मेकअप लुक। सो आप देख सकते हैं बेयर फेस है मेरा और सीटीएम मैंने पहले कर लिया था। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ग्लैम 21 का प्राइमर, बहुत ही अच्छा वाला प्राइमर है और बहुत कम क्वान्टिटी आपने लेना है। ज़्यादा क्वान्टिटी यूज़ करेंगे तो फेस ऑयली हो जाएगा, तो आपने इससे अपने पोर्स को फिल कर लेना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से, स्पेशली आपके नोज़ और चिन एरिया पे जहाँ पर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है। 5 से 10 मिनट आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग टिके। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फाउंडेशन है ये, सुपर स्टे वाला। सो डॉट डॉट करके मैं इसको अपने ऑल ओवर फेस पर लगा रही हूँ और इस बार आप देखोगे ना बहुत कम क्वान्टिटी मैंने यूज़ की है फाउंडेशन की। तो कई बार ऐसा होता है ना, हमारा फेस काफ़ी ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो कई बार हम ओवर चीज़ें कर लेते हैं, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में फाउंडेशन को लेकर और डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी। अभी आपको काफ़ी वाइट सा मिलेगा लेकिन ब्लेंडिंग अच्छे से होने के बाद ये स्किन में मर्ज हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी बेकिंग करेंगे या फिर आप लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट जो भी यूज़ करना चाहते हो आप एज़ पर योर नीड आप यूज़ कर सकते हो। और कंसीलर के लिए मैं यहाँ वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा वाला है और स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनकी एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है और जिनके फेस पर बिल्कुल कुछ भी नहीं टिकता है, तो वो फाउंडेशन यूज़ करने की जगह आप अपने ऑल ओवर फेस पर ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा वाला कंसीलर है और काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी आती है इसकी, तो ये जल्दी सूखने का आपको फियर रहता है, सो आप देख लेना। बाकी है बहुत ही अच्छा वाला कंसीलर, तो मैं इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लिया है मैंने अच्छी तरह से और इसको ब्लेंडिंग में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इतना भी ज़्यादा ड्राई नहीं था। अभी मैंने यहाँ पर लूज़ पाउडर से इसको सेट कर लिया है। इसके लिए मैंने यहाँ पर स्टे क्वर्की का लूज़ पाउडर यूज़ किया है, तो उसकी भी लिंक आपको सभी प्रोडक्ट्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। अब मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी की पैलेट ली है और इससे मैं बहुत ही ज़्यादा लाइट सी कॉन्टोरिंग करूँगी क्योंकि मेरे फेस पर ज़्यादा कॉन्टोरिंग मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं बहुत ही कम कॉन्टोरिंग की। मैंने नोज़ कॉन्टोरिंग नहीं की है, मुझे नीड नहीं लगी तो मैंने नहीं की, और बहुत बेसिक और सिंपल रखना चाहती थी लुक को इसलिए भी। और ब्लश के लिए मैंने यहाँ हिलेरी रूडा की 160 रुपीज़ की ये मेकअप किट है, काफ़ी अच्छी वाली किट है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था मैम प्लीज़ आप इस पर इससे मेकअप अपना क्रिएट कीजिए, तो मैंने आईज़ में भी इसे यूज़ किया है और हाइलाइटर और ब्लश भी मैंने इसी पैलेट में से यूज़ किया है, तो आई होप उन्होंने देखा होगा इस वीडियो को। सो या मैंने इसी में से ब्लश यूज़ किया है और हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है इसमें से, देख सकते काफ़ी अच्छा वाला हाइलाइटर है। अब मैं यहाँ स्विस ब्यूटी की अगेन आई पैलेट ले रही हूँ और उसी में से मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करने वाली हूँ। तो मैं अपने बारीक सब एक ब्रश ले लिया है मैंने और इसी से मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करने वाली हूँ। सो अच्छी तरीके से इसे फिल कर लीजिए। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि थोड़ा व्यस्त थी, थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्त थी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था मेरे घर पर, तो मैं 2 महीने से मैंने वीडियो नहीं बनाया है और काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, तो 1-2 महीने आपको बैकग्राउंड इसी तरीके का देखने मिलेगा, तो प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड को एक्सक्यूज़ कीजिएगा। और मैं यहाँ पर पिंकिश सा लाइट शेड लेकर मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन शेड बिल्ड किया, उसके बाद मैं यहाँ डार्क ब्राउन कलर लेके अपने आउटर वी पर इसको प्लेस कर रही हूँ और अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड करूँगी ताकि हल्की सी स्मोक आउट लगे। जो आई मेकअप हम करने वाले, काफ़ी इजी वाला आई मेकअप है ये और बहुत बेसिक है एक्चुअली, हर इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही ड्रेसेस के साथ काफ़ी अच्छा जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पर करवा चौथ मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो उसके साथ भी ये बेस्ट जाएगा। लेकिन अगर आप वेस्टर्न वियर कुछ कर रहे हैं या वेस्टर्न ड्रेस डाल रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छा जाएगा उसके साथ भी। सो मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से हिलेरी रूडा की वही किट में से एक गोल्डन ग्लिटर शेड मैंने लेकर अप्लाई कर लिया है।
अब मैं यहाँ हिलेरी डुडा की जो 48 कलर्स आई थिंक सो या उसमें से मैं ब्लू कलर लेकर के उसे अपने आउटर वी पर प्लेस करते हुए थोड़ा थोड़ा हाफ में अंदर लेकर के जा रही हूँ उसको ब्लेंड करते हुए, तो थोड़ा सा ना मेरी ड्रेस से मैचिंग थोड़ा सा ब्लू इफ़ेक्ट आ जाएगा, वो जो ब्राउन इफ़ेक्ट था वो ख़त्म होकर के। हम डायरेक्ट ब्लू इसलिए नहीं अप्लाई कर रहे क्योंकि फिर वो वैसा ब्लू निकल कर नहीं आ पाता, तो जस्टिस नहीं हो पाता। काजल के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ NYB का काजल, काफ़ी अच्छा वाला काजल है। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि मुझे दो काजल ही अच्छे लगते हैं, पर्पल का और NYB का। सो और आज ना मैं अपने ब्रो बोन को हाईलाइट करना भूल गई और इनर कॉर्नर्स को, तो मुझे इसके लिए प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, बट अगर आप कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे नहीं भी करेंगे तो खैर चलता है कभी कभी। अब यहाँ पर मैं मस्कारा के लिए ग्लैम 21 का मस्कारा यूज़ किया है मैंने, और यहाँ पर फॉल्सेस यूज़ की है, फेक लैशेस लगाई है मैंने, और ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ की थी ओनली 30 रुपीज़ की। तो मैंने कभी इससे पहले जो लोकल लैशेज़ आती है वो कभी मैंने ट्राई नहीं की थी। इससे पहले मैं जो यूज़ करती थी वो नायका की थी जो कि 199 की थी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी, कि मैंने 7 से 8 बार उसको मैंने यूज़ किया था, तो बट ये अच्छी तरह से काम कर गई, मुझे लग नहीं रहा था कि ये टिकेगी बट टिक गई। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर पहले यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक, काफ़ी अच्छी वाली लिपस्टिक है और काफ़ी बढ़िया शेड है, बट मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं थी, मैं इसको थोड़ा और डार्क या कुछ न्यू शेड देना चाहती थी, तो मैंने यहाँ शुगर की रेड हॉट लिपस्टिक थी तो उसी को हल्का हल्का सा मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज आए और थोड़ी और ज़्यादा ब्राइटर लगे। मैंने बिंदी लगा